उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा के लिए आज मैथ विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आवर्ती भिन्नों पर आधारित है। मैं इस पूरे टॉपिक को समझाने के साथ साथ इस टॉपिक को पूरी तरह से आपके जहन में लाने के साथ साथ मैं इसके पूरे इंट्रोडक्शन को पूरी भूमिका को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से भिन्न आपकी जो दशमलव कहलाती हैं ऑलरेडी, वो किस प्रकार से उसके कितने कितने रूप हो सकते हैं, किस तरह से उनको हम लोग यहाँ पर अपनी परीक्षाओं में प्रयोग में ला सकते हैं। आज मैं इन्हीं सबको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास बना रहा हूँ। पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इसको पूरी अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और अपनी परीक्षा में इसके जो एक दो अंक आपके जो भी हो सकते हैं वो निर्णायक साबित होंगे आपके लिए। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ दशमलव और भिन्न। देखिए, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेसिमल एंड फ्रैक्शन यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल एक ऐसी परीक्षा है जहां पर पैमाइश, कैलकुलेशन ये सब बहुत ही मानक सिद्ध होते हैं। जब भी हम लोग इस तरह की कोई भी परीक्षा देते हैं तो इस टाइप के टॉपिक बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दशमलव और भिन्न के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी अगर दूं तो आपको संख्याओं के एक रूप को डिस्कस करना पड़ता है। जब आपने संख्याओं को पढ़ा तो हर संख्या के दो रूप जनरेट हुए, दो रूप बनकर आया, आपने नोटिस किया होगा। एक तो उसका पूर्णांक भाग जनरेट हुआ, आप किसी भी संख्या की बात करिए तो उसमें आप दो रूपों में उस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। एक पूर्णांक भाग बनकर आया, दूसरा आपका भिन्न भाग बनकर आया। आपने जैसे किसी भी संख्या को लिखा होगा, मैंने पिछली क्लासेस में भी इस तरह से बता रखा है कि अगर जैसे मैंने 100 लिखा है तो 100 नहीं होता, 100.00 होता है। कहने का अर्थ होता है कि एक इंटीजर पार्ट इसके पास होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, भिन्न पार्ट भी होता है। इसी भिन्न पार्ट को हम दशमलव या भिन्न, दोनों चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको समटाइम दशमलव कहता हूँ जब मैं दशमलव के रूप में इंडिकेट करता हूँ, जब भी कभी मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में इंडिकेट करता हूँ तो उसको भिन्न कहता हूँ। मैं उसी बात को आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो विभिन्न बनती हैं तो भिन्न भी आपकी देखा जाए तो दो तरह की बनती हैं। भिन्न भी अगर देखा जाए दो तरह की बनती हैं। एक आपकी कुछ ऐसी होती जैसे कि 1/2 लिखा है, 1/4 लिखा है, 3/5 लिखा है, कुछ इस प्रकार की भिन्न है जो पूरी तरह से तो भिन्न है क्योंकि इसमें अंश का मान छोटा होता है हर से। यहाँ पर पूर्णता भिन्न होती है, लेकिन जैसे यहीं पर 5/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, अब यहाँ पर एक पूर्णांक पार्ट भी इन्वॉल्व है। जैसे ही आप 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 2 लिखा जाएगा। मतलब इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों इन्वॉल्व है। ये सब चीजें तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होती है जो मैं जिस टॉपिक को आज आपसे कवर कर रहा हूँ, उसका बहुत ही छोटा सा पहलू है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होना आवश्यक है। मैं इसी चीज को, जो कि हमने जैसे 5/2 लिखा है तो मैं इसको 2.5 भी कह सकता हूँ। आपने देखा कि इसको आप दशमलव रूपांतरण भी कर सकते हैं, आप उसका भिन्न रूपांतरण भी कर सकते हैं। मतलब दोनों रूपों में आप संख्याओं को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर मैं इन दशमलव भिन्नों की थोड़ी सी कैटेगरी की बात आपसे करता हूं तो कैटेगरी वाइज अगर हम इनका डिस्क्रिप्शन दें तो आप देखिए इन भिन्नों को हम क्या क्या कह सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। भिन्न का जो एक सही रूपांतरण होता है वो 2 रूपों में कन्वर्ट किया जाता है। भिन्नों को हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो वहां भी मैंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था आपको कि आप किसी भी प्रकार के भिन्न को भाग समझ लीजिए। इसका मतलब एक अंश को हर से डिवाइड किया जाता है। जैसे ही आपने ए अपान बी लिखा, ए अपान बी का अर्थ ही हो गया कि ए को बी से डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड करने के बाद आपको पता है कि आप डिवीजन के लिए बहुत ही प्रयत्नशील हो जाते हैं, आपको लगता है कि क्या भागफल आएगा। तो उस भागफल की जब जिम्मेदारी हम कैलकुलेशन को देते हैं तो भागफल हमारे सामने 3 प्रकार से जनरेट होता है। किसी भी भाग की बात करिए, किसी भी डिवीजन की बात करिए, उसी को हमने कैटेगरी बना दिया। या तो वह भिन्न आपका टर्मिनेट होगा, मतलब कट जाएगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं कटेगा। कटने की स्थिति क्या होती है, 2 प्रकार की बनती है। एक तो पूर्णतः कटना होता है, एक तो आंशिक रूप से कटना होता है। अब पूर्णतः और आंशिक रूप से कटने की स्थिति आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 15 को मैंने 3 से भाग दिया तो आपको पता है कि 3 5 बार जाकर के इसको पूर्णतः डिवाइड कर देगा। अब इसी 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो यह 15 को 4 से अगर जब डिवाइड करते हैं तो यह पूरी तरह से न कट के दशमलव के कुछ अंकों के बाद कटता है। इसको कहते हैं आंशिक रूप से टर्मिनेट होना। लेकिन इन दोनों का अर्थ टर्मिनेट ही कहा जाता है। हम मैथ के रूप में अगर हम बात करते हैं तो चाहे दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही कटे, चाहे पूर्णता कटे, उसको हम दोनों को टर्मिनेट होना ही कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं, जैसे कि 1/3 अगर लिखा जाए, 1/3 लिखा गया, 12/7 लिखा गया, 23/3 लिखा गया, इस प्रकार का कोई भी एक भिन्न आप नोट कर लीजिए। इस तरह का कोई भी भिन्न अगर आप लिखते हैं, ये सारे के सारे भिन्न आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है कि आप दशमलव के किसी भी अंक के बाद पूरी तरह से कटते नहीं हैं। अच्छा, जो नहीं कटते हैं, कहने का जैसे आप 1 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 का पहाड़ा जब 1 में करेंगे दशमलव लगाना पड़ता है 0 लाने के लिए। 3 3 बार 9 होता है, फिर 3 बार 9, ऐसे ही होता चला जाता है इनफिनाइट टाइम तक। ऐसे जो भी भिन्न आपके पास यहाँ पर इनफिनाइट टाइम तक मूव करते हैं, उन सारे के सारे भिन्नों को आप रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं या रिपीटिंग फ्रैक्शन कहते हैं या हिंदी में इसको आवर्ती भिन्न कहते हैं।
मतलब ऐसे तमाम सारे भिन्न जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, स्योरली परफेक्टली या कैसे कह सकते हैं 100% मैं स्योर इस बात को लेकर के कि या तो भिन्न पूरी तरह से कटेंगे या आंशिक रूप से कटेंगे या तो नहीं कटेंगे, और जो भी भिन्न नहीं कटेंगे वो स्योर आपके रिकरिंग कहलाएंगे, रिपीटिंग कहलाएंगे, या तो उनको हिंदी में आवर्ती भिन्न कहा जाता है। आवर्ती भिन्न एक्चुअली क्या है, मैं इसको आपको एक बार में समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या होता है आवर्ती भिन्न का सिस्टम। आवर्ती भिन्न एक्चुअली बार के साथ इन्वॉल्व भिन्न होते हैं। जैसे कि आप अगर देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जब भी मैंने जैसे 1/3 की बात करा तो मुझे पता है कि यहाँ पर भाग देने पर 0.333333 इनफाइनाइट टाइम्स तक मूव करेगा। हम इसको मैथमेटिकली एक सिंबल का रूप दे देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। कभी कभी आप किसी कैलकुलेशन के बाद आपको प्राप्त होता है 0.23 के ऊपर बार, कभी कभी आपको प्राप्त होता है 0.125 के पूरे के ऊपर बार। इस पूरे को हम कुछ ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं 0.125, यहां भी लिख के दिखा सकते हैं, मतलब इस तरह से दो डॉट लिख दिया, चाहे तो पूरे के ऊपर लगा दे, दोनों का अर्थ एक होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो किसी ना किसी भाग का ही फल है, किसी भाग का ही गुण मतलब भाग फल है। कोई एक डिवीजन हुआ रहा होगा, उस डिवीजन का यह प्राप्त मान है। इसका अर्थ है कि 0.23 इनफिनाइट तक गया है, यहां पर 0.125 इनफिनाइट तक गया है। कभी कभी इस प्रकार के भी आपको रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जैसे कि देखिए 5.3 के ऊपर केवल बार लगा है, 0.2 तक रुकेगा, 5.3 इनफिनाइट टाइम तक जाएगा। कभी कभी जैसे 1.25 केवल 5 के ऊपर लगा है तो 1.25555555 इनफिनाइट तक जाएगा। यह आवर्ती भिन्नों का एक स्वरूप होता है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, इसके थोड़े से कुछ और फैक्ट की जानने की आवश्यकता हम लोग की होती है। कभी भी जैसे अगर हम रिकरिंग या रिपीटिंग की बात करते हैं, जो रिपीटिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मुख्य उद्देश्य मुख्य काम क्या है, मैं उसके बारे में आपकी तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी मैं देना उचित समझूंगा। जैसे अगर मान लीजिए 0.33 या 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया, 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, कब आया, 1/3 से आया, आपने नोटिस किया, तो 3 3 3 3 3 3 था, तो 3 के ऊपर आप जो रिपीटेशन था, जिस पदों का रिपीटेशन था उसके ऊपर आप एक डॉट या बार लगा के छोड़ देते हैं। या कोई कह दे सर 0.3333 इस तरह से है तो हम 3 3 के ऊपर बार लगा दें, या कोई कह दे 0.3333 है ऐसे लगा हुआ तो उसके ऊपर बार लगा दें। आप चाहे एक ही पद को अगर आप यूज कर रहे हैं, चाहे जितने पदों के ऊपर बार लगाएंगे, इन सब का अर्थ एक ही होता है, सबके सब बराबर होते हैं, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, सब एक सबके सब एक माने जाते हैं। कभी भी आपको एक जानकारी मैं और दे दूं इसी तरह से, जैसे कभी कोई कहे 0.267, यहां पर 6 के ऊपर बार लगा के 7 एंड कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता मैथ में। आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, अगर हम लोग सही तरह से ऑब्जर्व करें तो 0.26666666 इनफिनाइट तक, उसके बाद एंड में लगा है 7, ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप इनफिनाइट तक पहुंचेंगे? पहली चीज तो पहुंचना ही संभव नहीं है, अच्छा पहुंचने के बाद आप कहां 7 लगा पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि इनफिनाइट के बाद किसी भी नंबर का ऑब्जर्वेशन किया जाए। इसलिए कभी ऐसा बार अगर लगा है तो उसको हम सही नहीं मानते, वो गलत हो जाता है। कभी भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर हमको लिखा है 1.23, 1 के ऊपर बार लगा दे, जो इंटीजर साइड के ऊपर बार नहीं लगाया जाता है, इंटीजर साइड के ऊपर बार कभी भी नहीं लगाया जाता है। बार लगता है तो हमेशा दशमलव के साइड पे लगता है और इंड पदों पर लगता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप की बात अगर हम कह रहे थे तो 0.267, देखिए 6 के ऊपर नहीं लगा रहे, 2 के ऊपर नहीं लगा रहे, 7 के ऊपर लगा सकते हैं, यह एक्सेप्टेबल है। तो बार के भी लिखने की कुछ एक पद्धति होती है, लिखने का एक तरीका होता है जो किसी ना किसी एक भिन्न का पार्ट होता है। आपकी जानकारी के लिए आपके जहन में रहना चाहिए कि बार किसी एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का एक रूप है, एक पार्ट है। हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य होगा, यहाँ पर हमारा जो काम है वह यह है कि हम इस तरह के बार भिन्नों को उसके वास्तविक भिन्न स्वरूप में लिखें। तो जो मेरा अगला टारगेट है इस कड़ी में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले उसके पहले मैं बता रहा हूं था यहाँ पे कि जो आवर्ती भिन्न है उनको हम दो नाम दे सकते हैं, एक तो पूर्णता आवर्ती, एक तो मिश्रित आवर्ती। अब आप किसको कहेंगे पूर्णता आवर्ती, किसको कहेंगे मिश्रित आवर्ती, समझने की जरूरत है। जब आपको ऐसा कोई आवर्ती भिन्न नजर आए जिसमें प्रत्येक पदों के ऊपर बार लगा हो, तो ऐसे सभी भिन्नों को आप पूर्णता आवर्ती कह सकते हैं। ये देख लीजिए सबके ऊपर इसमें बार लगा है, इसमें कोई भी पद छूटा नहीं है। अगर कभी इस प्रकार का भिन्न स्वरूप या आवर्ती भिन्न स्वरूप आपको नजर आए तो उसको आप पूर्णता आवर्ती कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप अभी देख ही रहे थे कि कभी कभी हमको ऐसे भिन्न स्वरूप भी नजर आते हैं जिसमें केवल कुछ ही पदों के ऊपर बार लगे होते हैं, उसको आप मिश्रित आवर्ती कह सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ पद छोड़े जा रहे हैं, कुछ पद आपके जो है बार के रूप में दिए जा रहे हैं, ऐसे तमाम सारे भिन्न स्वरूप को हम लोग यहाँ पर मिश्रित आवर्ती कह सकते हैं, मिश्रित आवर्ती इसका नाम दिया जाता है। तो हमारा यहाँ पर एक प्रैक्टिकल जानकारी इन सब के बारे में हुई, इसके फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी हुई।
अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस प्रकार के जो भी आवर्ती भिन्न नजर आ रहे हैं हमको, उनको वास्तविक भिन्न स्वरूप में लिखा जाए। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो सीखे हैं, देखिएगा ध्यान से, हमारा जो उद्देश्य है आवर्ती भिन्नों को उनके वास्तविक भिन्न स्वरूप में लिखना, उनके वास्तविक भिन्न स्वरूप में परिवर्तित करना, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम कभी अगर ऐसा कोई आवर्ती भिन्न हमारी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आवर्ती भिन्न आपको दिए जाएंगे उनको वास्तविक भिन्न स्वरूप में लाने की हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे थे कि आपने एक चीज नोटिस किया था कि 1/3 एक भिन्न था, इसका जो आवर्ती रूपांतरण था 0.3 के ऊपर बार था। मैं अगर आपको इसकी जानकारी ना दूं कि आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ हम जानते हैं, बस आपको एक प्रश्न अगर दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि 0.3 का जो बार है इसका वास्तविक भिन्न स्वरूप क्या है, अब आप तो ऊपर देख ही रहे सर 1/3 होता है, बट प्रोसीजर क्या है, लिखने का सिस्टम क्या है, तो इस लिखने के सिस्टम को अगर थोड़ा सा मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो हम लोग जब प्रैक्टिकली एकेडमिक क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहां पे हमको सिखाया जाता है कि ऐसी सिस्टम को, ऐसी संख्याओं को कुछ इस प्रकार से आप रूपांतरित करिए, इस प्रकार से इसका नाम दीजिए। आप इसको एक x मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार, और x को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.33333 सो ऑन इनफिनिट तक। अब हमको यह देखना होता है कि यहाँ पर कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, कितने पदों के ऊपर बार लगा है। मैं देख रहा था एक पद के ऊपर बार लगा है, तो एक के बाद शून्य बढ़ा के मतलब 10 से दोनों पक्षों में जब गुणा कर देंगे तो यह 10x हो जाएगा, और इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, 3.3333 सो ऑन इनफिनिट तक हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब 2 में से अगर मैं 1 को घटाऊंगा तो 10x में से 1x निकलेगा, तो यह हो जाएगा 9x। 9x बराबर इधर का पूरा पद इससे गायब हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 3, तो x बराबर 3/9 हो गया, तो x का मान आपका 1/3 हो गया। अब आप देख पा रहे थे कि यही पर हमारे पास यही कन्वर्जन था जो हम यहाँ पर इस तरह से किए, लेकिन आपको बता दें कि हम लोग कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन के दौरान हमें इस तरह के मेथड अप्लाई करना हमारे लिए अलाउड नहीं होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए हमको ध्यान देना होगा ऐसे कुछ मेथड्स को, ऐसे कुछ मेथड्स को पढ़ना होगा जिसके थ्रू हम ऐसे आसान ऐसे टाइप के प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। मान लीजिए यही प्रश्न था 0.3 के ऊपर बार था, इससे के लिए आपके आपसे पूछा गया था कि इसका वास्तविक भिन्न स्वरूप क्या था। इसके लिए मैं कुछ रूल और सिस्टम आपको समझा दूं कि कभी भी इस टाइप का प्रश्न अगर आपको नजर आए जिसमें पदों के ऊपर बार लगा हो, पदों के ऊपर बार लगा दशमलव के बाद, और ऐसे समय हमसे पूछा जाए कि इसका वास्तविक भिन्न स्वरूप क्या था, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही संख्या लिख देनी पड़ेगी जितने पदों के ऊपर बार लगा है। इसके बाद हमें उतने 9 लिखने होंगे जितने पदों के ऊपर बार लगाया गया। जैसे हमारे पास 0.P के ऊपर अगर बार है तो हम उसको P/9 लिख देंगे। मतलब जैसे अगर हमारे पास यह प्रश्न था 0.3 के ऊपर बार, इसको मैं सिंपली 3/9 लिख देता, सिंप्लीफाई करने पर यह मान 1/3 हो जाता। इसी तरह से अगर हम आपको दें कि 0.PQ के ऊपर बार है, आप इसका मान बताएं, तो आप कहेंगे सर PQ बटा यहां पर हम इसको डबल लाइन कर देंगे। डबल लाइन क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर 2 पदों के ऊपर बार लगाया गया है। ऐसे 0. अगर PQR होता, इसके ऊपर अगर बार लगा होता तो हम लिखते PQR डिवाइडेड बाय 999। आप 999 लिखते तब भी यहां पर माना जाता। इस तरह से हम लोग जब भी ऐसा कोई कन्वर्जन इस टाइप का हम सोचते हैं, हमारे जहन में यह बात आती है कि हम लोग पहले तो नोटिस करें कितने पदों के ऊपर बार लगाया गया है। हम उन सारे पदों को एज ए नंबर नोट करते हैं, उसके नीचे उतने ही 9 लिख देते हैं जितने पदों के ऊपर बार लगाया गया है। मतलब अगर ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हम समझे, जैसे हम 0.27 को नोटिस करें डिवाइडेड बाय हम 0.27 का बार है, हम इसको अगर कैलकुलेट करें इसके वास्तविक भिन्न स्वरूप में, हम सिंपली लिख सकते हैं 27/99। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब इसके सरलतम रूप में तो यहाँ पर 3/11 भी लिखा जा सकता है, इसको आप 3/11 कह सकते हैं। 0.257 के ऊपर बार है तो मैं इसको 257/999 कह सकता हूँ। इस तरह से आप किसी भी आवर्ती भिन्न को इस तरह का रूल फॉलो करके हम इसके वास्तविक भिन्न स्वरूप में ला सकते हैं। आपके ध्यान में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर इसमें तो आपने प्योर आवर्ती लिया है, मतलब पूर्णता आवर्ती लिया है, मतलब उनको लिया है जिनके ऊपर बार पूरे में लगा हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भिन्न समूह आपके सामने होंगे जिसमें सबके ऊपर बार नहीं लगे होंगे, उनके लिए क्या सिस्टम होगा, कैसे उनको कंप्लीट किया जाएगा, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि 0.25 के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा है, ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे। 0. मैंने कहा 25 के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर नहीं लगा है, ऐसी दशा में हम यहां पर कुछ और रूल आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास है 0.PQ के ऊपर बार है, केवल मतलब P के ऊपर बार नहीं, केवल Q के ऊपर बार है। इसके लिए रूल को थोड़ा गंभीरता से समझिए, आप ऐसी दशाओं में पूरी संख्या को लिख दिया करिए PQ, उसमें से उसको घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो मैंने देखा P के ऊपर बार नहीं लगा था, नीचे जाइए
जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतना बार 9 लिखिए, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 लिख दीजिए। तो आंसर हो गया मेरे पास 0.PQ के ऊपर बार बराबर PQ-P/90 हो गया। अब अगर हम इस प्रश्न को इसी मेथड से सॉल्व करें तो मैं लिख सकता हूं 25-2/90। आप समझ गए होंगे कैसे किया जा रहा है, यहां पर सिस्टम क्या बन रहा है। सिस्टम बहुत आसान है, क्या है, पूरी संख्या लिखा, उसमें से 2 को माइनस किया क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं था, नीचे गए, एक अंक के ऊपर बार था तो 1 बार 9, 1 के ऊपर बार नहीं था तो 1 बार 0। अब ऐसे हमारे पास बहुत तरह के सिस्टम आपको मिल सकते हैं समझने के लिए, करने के लिए। जैसे देखिए मैंने लिखा 0.PQR, QR के ऊपर बार लगा है, P के ऊपर नहीं लगा है। मैं सिंपली लिखूंगा PQR माइनस में करूंगा P, क्योंकि P के ऊपर बार नहीं लगा था। हम लिखेंगे 2 बार 9 और 1 बार 0, यह रूल बन गया हमारे सामने। इसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल इसका भी अगर उठाएं, जैसे मैंने कहा 0.297, अब मैं 97 के बार को नोटिस कर रहा हूं, बाकी किसी के ऊपर बार नहीं लगा है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कहूंगा 297-2/99 1 × 0। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 295/99 1 × 0। आप इसको चाहें तो फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, जितने स्टेप तक आप कर पाए। ऐसे और भी टर्म बन सकते हैं, जैसे 0.PQR है, केवल R के ऊपर बार लगा है, ऐसी दशा में आप सिंपली लिखेंगे PQR-PQ/1 × 9 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, एक अंक के ऊपर बार लगा है, एक पद के ऊपर बार लगा है, एक पद के ऊपर बार लगा इसलिए 1 बार 9 लिखा, बाकी 2 पदों के ऊपर बार नहीं था इसलिए 2 बार 0 लिखा, बट ऊपर क्या किया, एज इट इज पूरी संख्या को लिखा है, माइनस उसमें से उसको किया जिसके ऊपर बार नहीं लगा था। एक एग्जांपल इसका भी समझेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने लिखा 0.273, अब की बार केवल 3 के ऊपर बार लगा है, मैं लिखूंगा 273-27/1 × 9 2 × 0। माइनस कर दिए, 13 से 6 7 होता है और 6 2 2 4 होता है, 2 हो गया 246/9 0। आप फर्दर इसको कैंसिल कर सकते हैं, आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आप इसका सोल्यूशन करते जाइए, जहां तक कैंसिल हो सके वहां तक कैंसिल करते जाइए। यहां तक तो बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी, लेकिन आपके जहन में फिर कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए डेसिमल के पहले कोई टर्म हो तो हम कैसे करेंगे। बहुत आसान है, उसका सिस्टम पुराने इन्हीं सारे मेथड का यूज करते हुए किया जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे 1.2 के ऊपर बार, अब इसको अगर हमें इसके वास्तविक भिन्न स्वरूप में लाना चाहूं तो कैसे लाया जा सकता है। मैं सिंपल सी बात है, जो दशमलव के पहले का भाग होता है उसको पूर्णांक मानते हैं, उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम एज अ भिन्न आपको उसी तरह से करना है जैसे अभी तक करते हैं। जैसे पूरे अंक के ऊपर बार लगा है, 2 लिखिए / 9 लिख दीजिए। आप इसको 9 1 9 9 2 11/9 भी कह सकते हैं, मतलब चाहे इसको लिख के दिखाइए ऑप्शन के आधार पर, चाहे इसको लिख के दिखाएं। आपने लिखा कि 1.27 है, 7 के ऊपर बार है केवल, मैं क्या लिखूंगा 1 whole 27-2/1 × 9 1 × 0, मतलब 1 whole 25/90। 5 से कट रहा 5 25 होता है, 5 18 90 होता है, 1 सही 5/18 लिख सकते हैं, या 18 1 18 5 23/18 लिख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा ऑप्शन आपको देखे उस हिसाब से करना है। मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इस चीज को परफेक्टली समझ लिया होगा, करा गया जा रहा है, ठीक है। अगर यह परफेक्टली समझ लिया है तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम जिससे कि थोड़ा सा ज्यादा कवर कर सके, अगर आप इतने को सहमत हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने की दशा में मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा कि अगर हम लोग इन्हीं तरह के आवर्ती भिन्नों को नोटिस करें और उस पर मुझे जोड़ घटाव के प्रश्न नजर आए तो जोड़ घटाव के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर है 0.8 है प्लस 0.7 है प्लस 0.6 है, यहां पर देखिए अंक पे बार लगा है, यहां पे बार लगा है, यहां पे बार लगा है। अब ऐसे अगर कॉम्बिनेशन आपको नजर आएंगे तो आपको बहुत इजीली समझना होगा, मतलब आपको लगेगा सर बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि तुरंत आपको समझ में आएगा कि हम इसको 8/9 लिख सकते हैं, इसको हम 7/9 लिख सकते हैं, इसको हम 6/9 लिख सकते हैं। आपके जहन में तुरंत आएगा सबके हर समान है, तो तुरंत ही हम 8 7 15 6 21/9 कर दें। समझ में आ रही बात है आपको, 8 7 15 6 21/9 कर दें। 3 3 बार 9 होता है, 3 7 21 होता है, 7/3 आया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी अगर बार में प्रश्न देगा तो आंसर भी बार में आपसे डिमांड करेगा। तो अब फिर भी आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, 3 2 बार 6 होता है, मतलब अगर 7 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं और बार में उत्तर भी ला देता हूं तो कोई फर्क की बात नहीं, 3 2 9 6 होता है, 1 किया दशमलव लगाया 0 बढ़ा, 3 3 9 हुआ। अब यही चीज आपको पता है बढ़ता जाएगा, इसको 2.3 के ऊपर बार कह सकता हूं। कुछ लोग अगर गलती से सोचेंगे 8 7 15 6 21 2.1 के ऊपर बार, तो उनका हो जाएगा गलत।
ऐसा किया, वो भी एक तरह का सिस्टम था, लेकिन ये हर बार अप्लीकेबल नहीं हो सकता, इतना छोटा प्रश्न नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं प्रयास करूंगा ऐसे सिस्टम को, ऐसे प्रश्नों को कराने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आप किसी भी छोटे या बड़े प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मैंने प्रश्न लिया है 0.8 के ऊपर बार है, 0.7 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है। ऐसे तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए, आप ऐसे किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, क्योंकि इतने ही छोटे आसान प्रश्न नहीं जाएंगे कि सबका हर समान हो जाएगा, किसी में 90 आएगा तो किसी में 99 आएगा, किसी में 999 आएगा, किसी में 900 आएगा। तो ये हर जब आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे ना, तो वहां कैलकुलेशन करना इतना ईजी नहीं रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी दशाओं में आपको ऐसे एक कालम बनाना होगा। कालम बनाने के बाद आप यहाँ पर दो तीन चीज नोटिस करोगे। एक दो प्रश्न आप मेरे साथ करोगे तो समझ में आएगा, पहले प्रश्न से हो सकता है ना समझ में आए। दशमलव के पहले देखिए, या ऐसे सोचिए कितने ऐसे पद हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगे हैं। फिलहाल इसमें ऐसा कोई नहीं जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप 0.0.0 करके छोड़ दीजिए तीनों का। यहां पर एक पद के ऊपर बार है, इसमें भी एक पद के ऊपर बार है, इसमें भी एक पद के ऊपर बार है। प्रत्येक का जब हम एलसीएम करेंगे यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी में दो पद के ऊपर बार होगा तो किसी में एक पद के ऊपर होगा, किसी में तीन पद के ऊपर होगा, आप उनको देख करके उन सभी का एलसीएम करेंगे तो यहां पर तो फिलहाल एलसीएम एक ही आएगा। इसका मतलब बीच के कॉलम में केवल एक पद लिखे जाएंगे जो रिपीटिशन पे काम कर रहे हैं, जो रिपीटिशन पे हैं उनके केवल एक पद लिखे जाएंगे। जो नेक्स्ट कॉलम हमने लास्ट में बना रखा है वहां पर हमेशा उन रिपीटिशन को दो बार लिखना पड़ेगा, हमेशा लिखना पड़ेगा। यहां पर तो एलसीएम पे बेस्ड रहेगा, यहां पर बिना बार वाले पद रहेंगे, यहां पर बार वाले रहेंगे लेकिन एलसीएम पे बेस्ड रहेंगे। एलसीएम किसका लिया जा रहा है? जिनके जितने नंबर आप बार लगे हैं उनका एलसीएम लिया जा रहा है। यहां पर लास्ट में हमेशा उन्हें रिपीटिशन के पदों को दो बार लिखना पड़ेगा, सिंपली जोड़ना पड़ेगा और आंसर हम जैसा बता रहे हैं वैसे लिखना पड़ेगा। अब आपने देखा एलसीएम दो बार आया तो 0. हमने यहां पर 8 लिखा, यहां पर 7 लिखा, यहां पर 6 लिखा, ठीक है। यहां पर दो बार लिखना पड़ेगा 8, 8, 7, 7, 6, 6। अब आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए 8, 7, 15, 6, 21 कैरी दो, 8, 7, 15, 6, 21 दो, 23 कैरी दो, 8, 7, 15, 6, 21 दो, 23 कैरी दो, तो यहां पर दो चला आएगा, 2.3। अब यहां पर जब आप आंसर लिखना चाहोगे ऑप्शन के आधार पे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन में पार्ट नहीं रहेगा, मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये केवल सपोर्ट करने का पार्ट था। अब आंसर में 2 जो ऐसे लिखा है और जो बीच वाला रहेगा वही बार का पद रहेगा, 3 के ऊपर लगा दीजिए बार, तो 2.3 के ऊपर लग गया बार, यही आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अब आप कहोगे सर इससे बढ़िया तो वही वाला था क्योंकि उसमें आपने जल्दी से कर दिया था। मैं बता रहा हूं कि आपको प्रश्न अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे, इतना छोटा प्रश्न नहीं मिलेगा। जैसे आपको मिला मान लीजिए 0.275, तो 7.5 के ऊपर बार लगा है। फिर लिखा मुझे 0.53, तो 3 के ऊपर बार लगा है। अब आप सोचिए कितना कैसे प्रश्न है, इसको जोड़ना है मुझे, तो जब हम इसको जोड़ने गए तो मेरे जहन में भी पुराना रूल भी एक बार आया, मैंने सोचा चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूं कि गलती कैसे होगी और कैसे हम झेलेंगे, कैसे हमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैं दिखाऊंगी। इसको लिख सकता हूं मैं 275 - 2, अगर हम नियम जो हमने पुराना पढ़ा उसके आधार पर हम सोच रहे कन्वर्ट करके ही कर डालें, ऐसे लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा 53 - 5/9 के बाद 10। अब सोचिए 273 - 0 + 48 हो जाएगा डिवाइड बाय 90। इतना आसान है क्या इसका एलसीएम लेना और प्रॉपरली सॉल्व करना? इतना अच्छा सॉल्व कर भी लिया तो उसके बाद फिर उसको हमें बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन जो सही ऑप्शन उसको दिखाने के लिए, तो ये सब इतना इजी नहीं होता है। मैं आपको बता दूं इसके लिए जो मैं मेथड आपको बता रहा हूँ वही परफेक्ट है, उसी के थ्रू आप सॉल्व करिए तो बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया उसी तरह से आप कॉलम बना लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से कर दीजिए, अभी तुरंत आप इस प्रश्न का उत्तर बता लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। मैंने कहा पहले कॉलम में क्या होगा, उन पदों के लिखा जाता है जिसके ऊपर बार नहीं लगे हैं। जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ 0.2 है, इसमें मैं देख रहा हूँ 0.5 है, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं देख रहा हूँ दो पदों के ऊपर बार लगा है, इसमें मैं देख रहा हूँ एक पद के ऊपर बार लगा है। 2 और 1 का मैं तुरंत निकाल दूंगा एलसीएम, आपको पता है 2, 1 का एलसीएम क्या होगा भैया? 2 होगा। एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। इसका मतलब जो बीच वाला कॉलम है 2 पद इंक्लूड करेगा बार वाले, अंत में हमेशा 2 पद रहने ही रहने चाहे वो किसी तरह की परिस्थिति हो, 2 पद रहने ही रहने। 2 पद रिपीट करेगा तो 2 पद देखिए 7.5, यहां पर समझ रहे हैं कि रिपीटिशन 7.5, 7.5, 7.5 का था, तो उसने कहा बस 2 बार लिख दो, बाकी की जरूरत नहीं है, मतलब एक टाइम रिपीट कर दो बस। यहां पर क्या है 3, 3, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर मुझे बस 7.5 है तो आगे क्या आएगा बताइए? 7.5 ही तो आएगा, तो 7.5 लिख दीजिए। यहां पे तो वही 3 ही तो रिपीट करेगा बार बार,
अब आप जोड़ डालिए सिंपली, 5 3 कितना होता है 8, 7 3 10 कैरी 1, 5 3 8 1 9 हो गया, 7 3 10 7 3 10 कैरी 1, 5 2 7 1 8 हो गया, पॉइंट हो गया। अब आप देखिए आपके सामने इससे इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर हो गया 0.8 हो गया। इसके बाद हमारे सामने 09, बार किसके ऊपर लगेगा बताइए, 09 के ऊपर, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखने का करने का सिस्टम बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको जो है गंभीरता दिखानी होगा होगी, थोड़ा सा जल्दी से और आसानी से आपको समझना पड़ेगा फेद करके। कैसे किया मैं एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि जितने भी बिना बार वाले पद हैं उनको पहले कॉलम में लिखने होते हैं, जितने भी बार वाले पद होते हैं उनका सबसे पहले हमें एलसीएम लेकर के डिसाइड करना पड़ता है कि बीच में हमें कितने पद रखने हैं रिपीटिशन के, लास्ट में हमेशा दो ही पद रहेंगे, इस बात के लिए मैंने सियोरिटी दे दी आपको। अब आपने देखिए 0.2 यहाँ पे लिखा, 0.5 लिखा यहाँ पे, इसके बाद क्या है 7575 इनफिनाइट तक मूव कर रहा था, मैंने केवल दो बार लिख दिया 75, यहाँ पर 3333333 इनफिनाइट तक मूव कर रहा था, यहाँ पर मैंने 33 लिख दिया। यहाँ पर फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ तो देखिए मेरे पास क्या है 7575 रिपीट करा, मैंने कहा दो बार तो लिखना ही है, उसी रिपीटिशन से दो पद और ले लिए तो 75 यहाँ पर चला आया, इसी तरह से 33 यहाँ पे चला आया, सिंपली मैंने जोड़ा तो 5 3 8 7 3 0 कैरी 1, 5 3 8 1 9 हो गया, 7 3 0 कैरी 1, 5 2 7 1 8 लिख दिया। मैंने कहा इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, बस एज इट इज लिखिए 0.8, जो बीच वाले हैं वही बार वाले पद हैं, 09 आप लिख करके छोड़ सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी के साथ दे सकते हैं। एक आक एग्जाम्पल और, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, थोड़ी सी भिन्नताओं के साथ, जैसे मैंने लिखा 0.125 के ऊपर बार है, ऐसे मैंने लिख दिया यहां पर प्लस 0.279 के ऊपर बार है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने बढ़ाया यहाँ पे, हालांकि आप दो से ज्यादा संख्याएं ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, चार, जितनी मर्जी होती रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक घटाव का भी कराऊंगा, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मैं इस बात की सियोरिटी दे रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर भी फिर से उसी तरह से बना लीजिए, बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना इस बात का पड़ा कि यहाँ पर जब मैं बिना बार वाले पदों को नोटिस कर रहा था इसमें एक पद था जबकि इसमें दो पद था। अब ऐसी दशा में जिसमें ज्यादा पद रहेगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा, सेकेंड वाले में ज्यादा पद है पहले उनको लाके रख लीजिए 0.27, ठीक है 0.2, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो कुछ एकाक चीज इसमें और इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें मैंने इन्वॉल्व कर दिया 5 पॉइंट कर दिया मैंने। चलो अब आपको समझना है कि जीरो दशमलव के पहले तो यहां पर 5 लगा है लेकिन दशमलव के बाद इसमें एक ही पद है जबकि इसमें दशमलव के बाद दो पद थे, तो आपको दशमलव के बाद दो पद जब इसमें ले ही लिया है तो आपको बैलेंस करने के लिए इसमें भी दशमलव के बाद दो पद लेने पड़ेंगे जबकि एक ही पद है इसके पास, दो पद तो है ही नहीं है। तो आप कहोगे क्यों नहीं है सर, बिल्कुल है, यहाँ पर 25 25 25 जो रिपीट कर रहा है इनफिनाइट टाइम्स तक, तो उसमें से एक नहीं मांग सकते हम लोग, बिल्कुल मांग सकते हैं, मतलब एक है क्या बताइए 25 25 25 ऐसे ही तो था ना, तो 5.1 लिया था मैंने, 2 और मांग लीजिए तो 2 लाके रख दीजिए यहां से, देखिए रख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद दो पद छूटे हुए थे, इसमें दशमलव के बाद एक ही पद छूटा था, तो जब दो पद हमने ले रखा है ऑलरेडी और मुझे लेना पड़ेगा मैक्सिमम, दो पद ऑलरेडी मैंने ले रखे हैं तो मुझे दशमलव के बाद दो पद इनसे भी मांगने पड़ेंगे, एक पद तो नॉर्मली दे रहा था, एक पद वो अपने बार वाले से दे रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको ऐसे लेना पड़ेगा। फिर मैंने देखा इसमें दो पदों के ऊपर बार लगा है, इसमें केवल एक पद के ऊपर बार लगा है, 2 1 का एलसीएम जो होगा वो 2 ही होगा, कितना होगा 2 होगा, इसका मतलब बीच वाले कॉलम में केवल दो पद आएंगे, बीच वाले कॉलम में दो पद आएंगे, अंतिम में दो पद रहने ही रहने हैं। अब आप सोचो यहां पर आप क्या लिखोगे, आपका 2 चला गया है, क्या चला गया 2 चला गया है, तो शुरुआत कहां से होगी 5 2 से, 5 2 फिर से 5 2 यहां लिख ही देते तुरंत इस समय, मैंने कहा दो बार तो लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद इसके पास चले आए तो इसके पास तो 9 ही है, लिखिए 9 9 9 9। चलिए अब ऐड कर डालिए सिंपली, मुझे लग रहा है कि पैटर्न लिखने का सिस्टम आपने समझा होगा, एक आग दोबारा वैसे लिख लीजिएगा तो एकदम परफेक्टली आपको तैयार हो जाएगा। 9 to 11 कैरी 1, 5 9 14 15 कैरी 1, 2 1 3 9 12 कैरी 1, 5 9 14 15 कैरी 1, 2 1 3 3 7 10 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4 हो गया, 5.40। मैं एक बार कंफर्म कर दूं, हो सकता गलती हुई हो लेकिन मुझे लग रहा सही है, 9 2 11 कैरी 1, 5 1 6 9 15 कैरी 1, 2 1 3 9 12 कैरी 1, 5 1 6 9 6 15 कैरी 1, 2 1 3 3 7 10 कैरी 1, 2 1 3 1 4 5। आंसर हमारे सामने 5.40 एज इट इज लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट वाला है बीच वाला है यही बार वाले पद है, तो 5 2 के ऊपर लगाइए बार, यही आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो गया।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। जैसा बता रहे हैं हम, इसको पूरी अच्छी तरह से आपने समझा होगा, ये पूरी भरोसा है। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रिपीट करें, देखिए अच्छी तरह से 100% उसको समझ में आ जाएगा। एक और मैं करा देता हूँ घटाओ का प्रश्न, जिससे थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए। जैसे मैंने लिखा 5.32 के ऊपर बार है, माइनस मैंने लिखा 2.4673, यहां पर 673 के ऊपर बार है। एक घटाओ का प्रश्न में लिखा 5.32 के ऊपर केवल बार है, जबकि माइनस किया 2.4673 673 के ऊपर बार है। इस तरह का घटाव भी अगर देखिए कोई नॉर्मली सोच के देखे तो हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, आप पॉसिबल ही नहीं है, इतना आसान नहीं है करना। करते रहिए घर पे आराम से, समय लगेगा खूब अच्छे से। कॉलम ऐसे बना लीजिए जैसे मैंने अभी बनवाया। देखिए बनाने के बाद हम सोचे कि हमारे पास यहाँ पर कितने पद दशमलव के पहले या पूरी तरह से छूटे हुए हैं, तो थोड़ा सा आसान कर दिया इसने काफी चीजों को, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं दिया है। 5.3 है, वहां पे 2.4 है। थोड़ा सा टिपिकल मुझे करना होता तो मैं एकाक पद और बीच में रख देता, जिससे कि यहाँ पर दो पद लेने होते तो उससे भी दो पद मांगने होते, बट मैंने आसान किया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर तीन पद है, बार वाले की बात किया जाए, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर तीन पद है, तो एक और तीन का एलसीएम कितना होगा आप मुझे बताओ। आपको पता है तीन होगा, इसका मतलब बीच में अब की बार कितने पद रहेंगे, तीन पद रहेंगे। बीच में कितने पद रहेंगे, तीन। तो चलिए तीन लिख देते हैं, दो ही तो है ना जो रिपीट कर रहा है, 2 2 2, इधर दो बार लिखना ही पड़ेगा, 2 2। उधर का सोचिए 673 673, 6 and 7 ओनली, नॉट 3, बस ये देखिए मैंने लिख दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए सिंपली, जैसे हम घटाते हैं 12 से 7 आपको पता है, 12 से 7 करेंगे तो 5 आएगा, 11 से 6 करेंगे तो 5 आएगा, 11 से 3 करेंगे तो 8 आएगा, 11 से 7 करेंगे 4 आएगा, 11 से 6 करेंगे तो 5 आएगा, 12 से 4 करेंगे तो 8 आएगा, और यहां पर 4 से 2 करेंगे तो 2 आएगा। आंसर देखिए क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छे से पता है 2.8 आया, इसके बाद 5.48 है, तो 5.48 के ऊपर सिंपली बार लगेगा, बाकी सब एज इट इज रह जाएगा, आपको आंसर में कोई समस्या की बात ही नहीं आई। मतलब आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, पूरी तरह से आपने कंफर्म किया। देखिए इसमें प्रश्न और छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, बट पैटर्न वही रहता है जो मैंने आपको बताया, उसी को आपको फॉलोअप करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए तो अपना रिस्पॉन्स मुझे जरूर दें, जिससे हमको भी थोड़ी ऊर्जा मिलती है और हम आगे चलकर की चीजों को आपको परफेक्टली बता सकें। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए हमारे तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से एक बहुत ही सफलतापूर्वक बैच संचालित किया जा रहा है, आप सब लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं। बैच के बारे में अधिकतम जानकारी अगर आपको लेनी है और बैच से किसी भी तरह से आपको एसोसिएशन बनाना है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम कनेक्टिविटी हमारी बन नहीं पाई, हम काउंसलर से बात नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप बैच में संस्थान में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रॉलिंग में पट्टी दी गई है, उस पट्टी पर अपना जो है नंबर जो लिखे हैं, दो तरह के नंबर्स होंगे, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको कॉलिंग के लिए होगा, एक व्हाट्सएप नंबर एंट्री के लिए होगा। आप किसी भी थ्रू, चाहे व्हाट्सएप से चाहे डायरेक्ट कॉलिंग से, आप अगर संस्थान में संपर्क करना चाहते हैं, एडमिशन प्रोसीजर पर बात करना चाहते हैं, तो आप जरूर, आपका स्वागत है। बाकी मैंने जैसे पढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि चीज़ आप समझ पाए होंगे, आप अपने फीडबैक्स अपनी राय जरूर दें, मैं इंतजार करूँगा और नए टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।